नमस्कार, मैं हूँ प्लास्टर और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज हम लोग आ चुके हैं गोविंदपुरा विधानसभा के पोलिंग बूथ पे, जहाँ हम लोग जनता से अपने सवालों के जवाब जानने वाले हैं। चलिए जनता से पूछते हैं। अच्छा, आपने कितने बार वोट दिया अभी तक? हम कम से कम अभी तक 20-25 बार वोट दे सके। आपने कितने बार वोट दिया? 20-25 बार। मैंने भी इतना ही। अप्रॉक्सली 25 बार। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपने क्या सोच के वोट दे रहे हो आप? मैंने तो यही सोचा था कि जो अभी चल रही लेगेसी बीजेपी की, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है। तो आपने कोई फायदे की बात सोची हो? आपका कुछ फायदा हो रहा हो? फायदा तो यही है कि इंडिया के, मतलब मैं तो बिगर पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ यार। बीजेपी पूरे इंडिया में है, मोदी जी इतने आगे लेके चल रहे हैं देश, मतलब विदेश विदेश में मोदी जी इतनी वो है, इसलिए हमने उनको वोट दिया। आपको क्या लगता है? ऐसा है, एक वोट की वैल्यू है, एक वोट से लोग हार जीत हो जाती है, सांसद विधायक और पार्षद और गांव समाज की। इसलिए वोट देना, जैसे कोई नाराजगी में वोट देने नहीं जाता है, आप नहीं देने जाओगे तो जिसके जो भक्त होते हैं किसी के भी, वो भक्त जाएंगे। अगर दो ही वोट देंगे, एक ही देंगे, तो वो जीत मानी जाएगी। आप लोग किसे देखकर वोट दे रहे हो? किसी पर्सन को देखकर वोट दे रहे हो या किसी चुनाव चिन्ह को देखकर? आपसे पूछ रही है कि हमसे पूछ रही है? ऐसा है कि वोट देना चाहिए ना, भावनाओं से नहीं, काम से देखना चाहिए। इस देश को जिसने बनाया है ना, उसको आता है कि वो देवता के देव पद, वो कहा गया था मंदिर, और आज उसको बेचा जा रहा है, तो जो उसको बेचेगा उसके पक्ष में मैं नहीं रहूँगा, जिसने बनाया है उसके पक्ष में रहूँगा। आप क्या देखकर वोट देंगे? एक्चुअली क्या है, वोट तो विकास को देखना भी देखकर भी देना चाहिए, और साथ ही साथ देखना चुनाव चिन्ह भी देखना चाहिए। आप लोग क्या देखकर वोट दे रहे हो? किसी पर्सन को देखकर या फिर किसी चुनाव चिन्ह? हम तो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करते हैं, जो राष्ट्र के विकास का काम करते हैं, जैसे कि रोड, बिजली। आज वर्तमान समय में बिजली की समस्या बहुत अच्छी चल रही है, इससे 15-20 साल पहले बहुत दर्दनाक स्थिति थी, नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इन सब राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर हम चुनाव करते हैं। हमें व्यक्तिगत फायदे नहीं देखना है, हमें राष्ट्रहित में अपना वोट देना है, जो सबके लिए फायदेमंद हो, हमें उस पार्टी को वोट देना है, उस व्यक्ति को वोट देना है जो पूरे देश को साथ में लेके चलेगी।